तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई पंजाबी इंडस्ट्री की एक अपकमिंग मूवी मस्ताने के ऑफिशियल ट्रेलर पे। लेकिन इससे पहले भी हम ना 3 लैंग्वेजेस पे ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं अब, और आज के दिन हम कर रहे हैं भाई तमिल लैंग्वेज पे रिएक्ट। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो जल्दी से जाते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं इस ट्रेलर पर, आखिर तमिल में कैसी वाइब आती है। तो चलो 1 2 3 गो। सिंगो எந்த நாதருக்கு இப்ப கஜினியோட பாசா தெரியுதோ, கால்சா அவங்களுக்கு நரகத்தோட வாசலை காட்டுவா. இன்னைக்கு இந்த இடமே இந்துஸ்தானுடைய மகள்களால நிரம்பி இருக்குல்ல, இந்த இடத்த சடலங்களின் குவியல்களா மாத்துங்க. இவங்க தனக்கு தானே குருவோட சிஷ்யர்கள்னு சொல்றாங்க, ஆனா இவங்களுக்குன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு எந்த இடமும் இல்ல, வசிக்க குடியிருப்பும் இல்ல, சாகிறதுக்கு கூட பயப்பட மாட்டாங்க. சக்தி, அழகு, அப்புறம் பணம், அது யாராவது நாகரோட கையில இருந்து பறிச்சுட்டு போனாங்கன்னா அப்ப என்னோட கைகள்ல வாள் இருக்கும், அந்த வாள் உன்னோட தலையில் எடுத்துரும். இவங்கள்ல யாரவன், இவங்கள்ல யார் அந்த புரட்சிக்கார நாய பத்தி தெரிஞ்சவங்க? அந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும். நிஜமா 120 சிப்பாயிங்க படையெடுத்து போனதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்கள ஒருத்தனை கூட பிடிக்க முடியலையா? நீங்க ஒருத்தரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க, ஆனா சின்ன சின்ன குழந்தைகள் கூட முதல்கள் மாதிரி சண்டை போறதை நான் பார்த்திருக்கேன். அவன் யாருங்கிறது இப்ப முக்கியம் இல்ல. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அவன் இந்த நவாபுக்கும் ஆளுங்களுக்கும் அடுக்கணே மாட்டான் போல. உண்மையை சொல்லு கலந்த, அவனை எப்பயும் பார்த்தது இல்ல. நாதர் யுத்தத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கல்ல, அவங்களுக்கு நாம யுத்தத்தை காட்டலாம். அப்படிப்பட்ட யுத்தத்தை காட்டலாம், பல 100 ஆண்டுகளுக்கு அது ஞாபகம். तो भाई ये था मस्ताने का ट्रेलर, वो भी तमिल में। और भाई जो साउथ वाले हमारे भाई लोग हैं उनको बता दें तो ये पंजाबी इंडस्ट्री से एक मूवी है, अपकमिंग मूवी जो 25 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, वो भी 5 लैंग्वेजेस में, मतलब तमिल में भी आने वाली है। तो इसको जरूर से सपोर्ट करना। हाँ यार, सपोर्ट करो, अच्छे से अपनी इतिहास को जानो कि यार लोगों ने, मतलब कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है यार। वैसे अगर हमने पहले भी अपनी मूवी इसमें जो पहली वीडियोज है उसमें भी बता दिया कि हमें इस ट्रेलर में क्या कुछ अच्छा लगा है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि हमें इस मूवी में ना जो लैंग्वेजेस है ना यार, जो लैंग्वेजेस में इनको डब किया गया है, बड़ी जबरदस्त लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है। मतलब कि एक अच्छा वाइब फील होती है यार इनको देखकर, मतलब कि ऐसा नहीं लगता है कि नहीं यार थोड़ा अच्छा वाइब नहीं आ रहा पंजाब में ज्यादा अच्छा, अलग अलग लैंग्वेजेस में सेम ही वाइब आ रही है, अच्छी आ रही है। मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा कि भाई डब की हुई है, मतलब अच्छी वाइब आ रही है। और एक और बात जो साउथ वालों को शायद से पता नहीं होगा, जो अगर हम तमिल से देख रहे हैं तो आप सबको बताएं कि ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है,
1739 की स्टोरी, और अगर इससे और जानना है तो हमने अपनी पहली वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन दी, और हमारे जो भाई लोग हैं वो भी आपको कमेंट्स में बता देंगे, और उनमें भी हम एक जो कमेंट है ना वो पिन कर देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि एक्चुअली ये क्या स्टोरी। हमारी लास्ट बात यही है कि आप इस जो ये मूवी आने वाली है 25 को आप इसे खुलकर प्यार दें यार, अच्छे से सपोर्ट करें इस मूवी को यार। पैन इंडिया लेवल पे भाई ये तहलका मचानी चाहिए, मतलब एटलीस्ट लोगों को पता चले कि कोई मूवी आई थी, मतलब ऐसा नहीं होना कि भाई आ भी गई और चली गई, लोगों को पता भी नहीं चला, लेकिन एटलीस्ट लोगों को पता चले उतना शेयर करो। आई है यार, हाँ सही बात है, जाओ शेयर करो, इस ट्रेलर को अच्छे से देखो, अपने कमेंट शेयर करो, आपको क्या अच्छा लगे, जो भी मतलब सपोर्ट करो यार, अच्छे से सपोर्ट करो जाकर। तो बस आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, तो चलिए आप आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।